Hello friends, Raghvinpal welcomes you in the 4th day of English Spoken course. Friends, if you have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon to have notifications about my videos. Friends, I'll start this class by having daily usage meanings. What are the daily usage meanings? Friends, daily usage meanings are those meanings which are used in daily routine. So the first meaning of today is on the occasion of. फ्रेंड्स ऑन द ओकेशन ऑफ मीन्स के अवसर पर इन हिंदी में के अवसर पर इसका मतलब होता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वह मुझे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिला। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, ही मेट मी ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे। हेयर आई यूज ऑन द ओकेशन ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। द सेकेंड मीनिंग इज इन द लैप ऑफ नेचर। फ्रेंड्स इन द लैप ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति की गोद में इन हिंदी। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, प्रकृति की गोद में आनंद लेते हुए। कई बार हम ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए हम फेसबुक पर फोटो डाल रहे हैं, उसमें हम लोग लिख देते हैं प्रकृति की गोद में आनंद लेते हुए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इन्जॉइंग इन द लैप ऑफ नेचर। हेयर इन द लैप ऑफ नेचर इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। थर्ड वन इज फॉर द सेक ऑफ। फ्रेंड्स फॉर द सेक ऑफ मीन्स के खातिर। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, दैट इज़ मैं देश की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई एम रेडी टू डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री। नाउ फोर्थ वन, कर्ज द स्टार। कर्ज द स्टार मीन्स भाग्य को कोसना। जैसे एक सेंटेंस देते हैं, हमें भाग्य को कोसने की बजाय मेहनत करनी चाहिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी शुड डू हार्ड वर्क इंस्टीड ऑफ कर्सिंग द स्टार। नेक्स्ट इज थैंक्स द स्टार। थैंक्स द स्टार का मतलब होता है भाग्य को धन्यवाद देना। ये बहुत अच्छी मीनिंग है। भाग्य को धन्यवाद देने के लिए जैसे हम लोगों को बोलना है, जैसे मेरे को बोलना है, एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं अपने अच्छे जीवन के लिए भाग्य को धन्यवाद देता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई थैंक द स्टार टू हैव गुड लाइफ। इस तरह से हम इन डेली यूजेज मीनिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं ग्रामेटिकल पार्ट में आपके लिए चार यूज को लेकर आया हूँ। आज हम लोग फोर यूजेस को पढ़ेंगे और जो भी मैं डे थर्ड में कंप्लीट कर चुका हूँ उसको ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जितने भी यूजेस हैं, दिस ऑल आर विदाउट मैन वर्ब सेंटेंसेस, मतलब कि बिना मैन वर्ब के जो सेंटेंस यूज होते हैं वो सारे यूज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टुडे आई डिस्कस अबाउट विल बी शैल बी फर्स्ट। दोस्तों विल बी और शैल बी का हिंदी में जब कभी भी होगा, होगी और होंगे आएगा उसके लिए यूज होता है। Shall be is always used for I and be, it means first person, और बाकी सबके साथ हमेशा will be लगेगा। I और be के बाद साथ shall be और बाकी सबके साथ will be। In the second use, आज का जो second use है वो है can be। Can be का मतलब हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं। Whenever we have some sentences ending with हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, we use can be। तो हम लोग use can be का करते हैं। नेक्स्ट इज कुड बी। फ्रेंड्स के कुड बी इज द पास्ट ऑफ कैन बी। इफ हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे अगर आएगा सेंटेंस में तो उसके लिए हम लोग कुड बी का यूज करेंगे। बट रिमेंबर दैट कुड बी इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन बी। नेक्स्ट इज शुड बी। शुड बी का प्रयोग कहाँ होता है? तो जब कभी भी किसी सेंटेंस के एंड में होना चाहिए, होनी चाहिए या होने चाहिए आ जाए तो उसके लिए हम लोग शुड बी का यूज करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, सभी आइडेंटिटी मैंने लिख दी हैं, इसमें एकदम क्लियर हो रहा है कि किसके साथ क्या लगता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जहाँ से हमें बिल्कुल समझ में आएगा। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज उसे अपने कार के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इफ हेयर आई सी दैट होना चाहिए इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। होना चाहिए सेंटेंस के अंत में आया है, तो होना चाहिए के लिए हमने देखा शुड बी यूज होता है। चलिए बनाते हैं, उसी को बोलते हैं ही। तो आंसर शुड बी ही शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, यानी कि उसे अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट इज वह इस समय छत पर होगा। फ्रेंड्स होगा इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर होगा लगा है, होगा के लिए हम लोग या तो विल भी लगाएंगे या शैल भी लगाएंगे। वह को ही बोलते हैं, ही के साथ विल भी आएगा, तो ही विल बी ऑन द रूफ एट दिस टाइम। वह इस समय छत पर होगा। नेक्स्ट तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकता है।
दोस्तों यहाँ पर हो सकता है एंड में आया है, हमने देखा हो सकता है के लिए कैन भी लगाते हैं। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, देयर कैन बी चेंज इन योर लाइफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने देयर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम लोग देयर का या इट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, तुम थोड़े चिंतित हो सकते थे। यहाँ पर मैंने एंड में हो सकते थे लगा दिया, तो फ्रेंड्स हो सकते थे के लिए हम लोगों को पता है कि गुड भी लगता है, तो हम लोग बनाएंगे यू कुड बी लिटिल बरीड, यानी कि तुम थोड़े चिंतित हो सकते थे। तो इस तरह से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। एक और देखते हैं, वह अपराधी नहीं हो सकता है। हम लोग एक दावे के साथ बोल रहे हैं वह अपराधी नहीं हो सकता है, तो नहीं लग गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, बना देते हैं ही कैन नॉट बी ऑफेंडर। ऑफेंडर मीन्स अपराधी, तो हम लोगों ने नॉट लगा दिया। और ध्यान रखें जब कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें डबल यूज होगा तो उसके बीच में नॉट लगेगा हमेशा, यहाँ पर कैन और बी के बीच में नॉट लगेगा। नेक्स्ट इज, क्या वह एक अच्छा नागरिक होगा। यहाँ पर एंड में होगा आ गया, तो हम लोग समझ गए कि विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट इज वह, वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, इसलिए आंसर होगा विल ही बी अ गुड सिटीजन, क्या वह एक अच्छा नागरिक होगा। नेक्स्ट इज, तुम्हें अध्यापक क्यों होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए एंड में आ गया, हमें शुड भी लगाना है लेकिन बीच में क्यों आ गया। क्यों एक डबल इंट्रोगेटिव की स्थिति दिखाता है, तो सबसे पहले हम लोग वाई लगाएंगे, तो आंसर शुड बी वाई शुड यू बी अ टीचर, यानी कि तुम्हें अध्यापक क्यों होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस, हमें एंड में आइडेंटिटी देखना है और उसके सहारे से हम बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर सेंटेंस का आपको आंसर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।